हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी प्रियंका त्यागी, इकोनॉमिक्स टीचर. वेलकम बैक टू ऑल इन प्रियंका त्यागी ट्यूटोरियल. सो लास्टली इन चैप्टर 3 वी स्टडीड अबाउट ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स. Next, we studied about the changes made by the globalization of the Indian economy. So, there was rise in the equity participation of the foreign investment from 40 to 41 for higher technology and high investment priority industry. Next was devaluation of rupee was done to encourage export and discourage imports, removal of the control on the foreign trade, reduction on custom duties and tariff imposed on the import and export. Next was the modernization and technology agreement, as no permission is required for testing domestically technology abroad. And the last one, to integrate the Indian economy with the world economy, there has been done changes in the foreign exchange rate system. Next, we talk about the impact of globalization, in which we firstly discuss about the positive impact. So, due to globalization, the global market was accessible to us. There was advancement in technology. There was better future prospect for large industries of developing countries. Then we talked about the negative impact of the globalization. So, it is believed that globalization acquired more profit to the developed countries. It compromises with the welfare of the poor people. Market-driven globalization increased the economic disparities among the nation and the people. So, this all we studied lastly. Now, today, we will discuss about outsourcing, which is a result of globalization. And next we will talk about the World Trade Organization. Now let's start. So yes, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे पहले वो है आउटसोर्सिंग. सो आउटसोर्सिंग एक इम्पॉर्टेंट आउटकम रहा आपके ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का. ये एक इमर्जिंग बिजनेस एक्टिविटी है. सो बेसिकली आउटसोर्सिंग है क्या? तो आउटसोर्सिंग यानी कि हायर करना रेगुलर सर्विसेज को एक्सटर्नल सोर्सेज से, और मोस्टली आपकी अदर कंट्री से सर्विसेज को हायर करना इज आउटसोर्सिंग. तो पहले ये जो सारी सर्विसेज थी ये इंटरनली प्रोवाइड की जाती थी एक कंट्री के अंदर अंदर, जैसे कि आपकी लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट और भी कई सर्विसेज हो सकती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग. सो अब ये जो इंडिया था इसमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज आउटसोर्स हुई 1991 के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद. तो हुआ क्यों ये? क्योंकि जो इंडिया था वो फेवरेबल डेस्टिनेशन इसीलिए बना आउटसोर्सिंग का, क्योंकि यहाँ पर एक तो लो वेज रेट में हमें लेबर मिल जा रहे थे इजीली, क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप देश नहीं है, जिस वजह से ये जो यहाँ पे लेबर है वो ईज़िली हमें चीप रेट पे मिल जाती है, और अच्छा खासा वो स्किल्ड भी होती है मैन पावर, जिसके वजह से इंडिया हमेशा फेवरेबल डेस्टिनेशन रहा आउटसोर्सिंग का. तो जो भी सर्विसेज आउटसोर्स की जाती हैं इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ के लिए, वो है आपका रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, एडिटिंग, ATC. It was been intensified due to growth of communication system, especially the growth of IT sector. अब ये जो outsourcing है इतना ज़्यादा intensified, इतनी ज़्यादा growth इसकी हुई केवल communication system के वजह से. जो आपका communication system और especially IT sector जो develop हुआ है उसी के वजह से ज़्यादा ये आपका outsourcing हुआ है, और इससे हमारी country की भी of course condition improve हुई है, और ऑफ़ कोर्स इससे ग्रोथ भी हुई है. सो एक बार रिवाइज करेंगे, आउटसोर्सिंग यानी कि एक्सटर्नल सर्विसेज को हायर करना, एक्सटर्नल यानी कि अदर कंट्रीज से सर्विसेज को हायर करना, और स्पेशली इंडिया यहाँ पर फेवरेबल डेस्टिनेशन रहा है आउटसोर्सिंग का, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर और आपके स्किल्ड मैन पावर हमें मिल जाती है. बहुत सी सर्विसेज इंडिया से आउटसोर्स की जाती हैं, वो है आपका रिकॉर्ड कीपिंग, बैंकिंग सर्विसेज,
एडिटिंग ईटीसी। और आउटसोर्सिंग के इतने ज़्यादा ग्रोथ होने का कारण आपका है कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द आईटी सेक्टर। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी आपकी 1995 में एज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन थी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की, जिसे हम GATT भी कहते हैं। तो जो WTO है ये पहले यानी कि GATT ही थी और उसके बाद इसका नाम कन्वर्ट करके WTO रख दिया गया। और ये जो GATT थी ये इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1948 में विद 23 मेंबर कंट्रीज। और इसका काम ये था कि ये पूरे ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेट करती थी, सारी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स प्रोवाइड करके और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके उनको ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज हैं WTO के वो हैं आप 164, और जो कि एक नियम से बंधे हुए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो यानी कि सिंपल भाषा में अगर कहें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या GATT का काम ये था कि पूरे इंटरनेशनल जो ट्रेड है आपके उनको कंट्रोल करना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना सबको ट्रेड के लिए। और अब प्रेजेंट में 164 मेंबर हैं इस WTO के, और ये आपको एक तरह से नियम में बांधती है, इसके कुछ लॉज हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं, तो इस एक तरह से नियम में ये बांधती है आपको सभी कंट्रीज़ को। सो अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में जो भी WTO परफॉर्म। सो क्या क्या फंक्शंस हैं WTO के अब वो हम देखेंगे। सो WTO आपको इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। अब कैसे करती है, ये आपके टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो उन सबको रिमूव कर देती है, जिससे आप इंटरनेशनली इजीली ट्रेड कर सके। दूसरा काम WTO ये करती है कि ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम बनाती है। सारे जो ट्रेडिंग होंगे ये किसी रूल के आधार पर किए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं WTO के द्वारा। दूसरा है इसमें नेक्स्ट टू एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज। WTO क्या करती है आपकी, एनलार्ज करती है प्रोडक्शन और ट्रेड सर्विसेज को। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का काम करती है WTO, वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से अच्छी तरीके से यूज़ करने का काम ये आपका एक तरीके से करती है, उस पर ये एक तरीके से फोकस करती है। एंड द लास्ट वन प्रोटेक्ट करती है आपके एनवायरनमेंट को। तो इन सारी चीज़ों पे आपका WTO ध्यान देता है, रिमूव करता है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को और फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, रूल बेस्ड रिजाइम बनाता है आपके ट्रेडिंग के लिए, तीसरा है आपका इनलार्ज करता है प्रोडक्शन और ट्रेड सर्विसेज को, आपके रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन पे फोकस करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके एनवायरनमेंट को। तो ये देखे थे हमने कुछ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द WTO। सो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज, सो लेट्स रिवाइज। सो सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया आउटसोर्सिंग को। सो आउटसोर्सिंग यानी कि सर्विसेज को हायर करना एक्सटर्नल कंट्रीज से। सो इंडिया से बहुत ज़्यादा सर्विसेज हायर की जाने लगी आउटसोर्सिंग के लिए। सो ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक तो लो वेजेस पे हमारे को लेबर अवेलेबल थे और दूसरा अवेबिलिटी थी यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर की। और कुछ जो आउटसोर्स की जाती थी सर्विसेज वो थी आपकी रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज। और ये जो आउटसोर्सिंग हुआ ये हुआ आपके कम्युनिकेशन और ऑफ आईटी सेक्टर के वजह से। दूसरा हमने देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपके पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है, और ये पहले GATT था जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में 1995 में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना और इसके एट प्रेजेंट जो मेंबर कंट्रीज है वो है 164। काम क्या है WTO के, तो ये आपका फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, टैरिफ और नॉन टैरिफ के बैरियर्स को
हटा के। दूसरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम ये फॉर्म करता है। तीसरा आपका इनलार्ज करता है प्रोडक्शन को और ट्रेड सर्विसेज को। नेक्स्ट है आपका इंश्योर करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को पूरे वर्ल्ड रिसोर्स के। एंड लास्ट वन प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। सो ऑल दिस पॉइंट वी स्टडी टुडे। थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।